कौन जीतेगा आज का मैच T20 वर्ल्ड कप 2024 का 22वां मैच जो कि खेला जाएगा कनाडा वर्सेस पाकिस्तान के बीच। आपको इस वीडियो में दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और बहुत सारे रिकॉर्ड को देखने के बाद आपको इस वीडियो में पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बताया जाएगा। आखिर मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीम मैच को जीत सकती है, कौन सी टीम विन कर सकती है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग पूरा जरूर से देखें। चलिए आज की हमारी इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों टीमों के हेड टू रिकॉर्ड के बारे में। जैसे कि आपको पता है किसी मैच को जीतने के लिए हेड टू रिकॉर्ड कितना मायने रखता है। अगर हेड टू रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच अभी तक जो है केवल एक ही मुकाबला खेला गया है जो कि 2008 में खेला गया था बहुत साल पहले, जिस मैच में जो है पाकिस्तान की टीम फर्स्ट बैटिंग करते हुए 35 रन के अंतर से जो है कनाडा की टीम से जीती थी। उसके बाद इन दोनों टीमों के बीच अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला गया है T20 का। बात के दोनों टीमों की T20 में रिसेंट फॉर्म की तो आपको बता दूं कनाडा की टीम लास्ट के 5 T20 मैच जो खेली है 2 मैच यहाँ पे जीती है, 3 मैच यहाँ पे अपना हारी है। पाकिस्तान की टीम लास्ट के 5 T20 जो मैच खेली है यहाँ पे 1 मैच केवल जीती है, 4 मैच बैक टू बैक यहाँ पे हारी है। अगर यहाँ पे दोनों टीमों की टीम कंपैरिजन की बात करें तो आपको बता दूं कनाडा की टीम लास्ट के 10 T20 मैच जो कि सभी टीमों के साथ खेली है 50% विनिंग परसेंटेज रहा है, यानी कि 10 में से 5 मैच जीती है, 5 मैच हारी है। एवरेज को 171 का देखने को मिला है, हाईएस्ट को 230 का देखने को मिला है, वहीं लोएस्ट को 132 का देखने को मिला है। बात करें पाकिस्तान की टीम की, पाकिस्तान की टीम लास्ट के 10 T20 मैच जो कि सभी टीमों के साथ खेली है 30% विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर 167 का, हाई स्कोर 195 का, वहीं लोएस्ट स्कोर 113 रन का। बाकी पॉइंट टेबल की बात कर ले कनाडा की टीम इस पॉइंट टेबल नंबर 3 पे है, वहीं पाकिस्तान की टीम इस पॉइंट टेबल नंबर 4 पे है। कनाडा टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 दो मैच खेली है, 1 मैच जीती है, 1 मैच यहाँ पे हारी है। पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 दो मैच खेली है, दोनों को दोनों मैच हारी है, 1 मैच यूएसए जैसे कमजोर टीम से हारी है और 1 मैच भारत की टीम से हारी है, लास्ट मैच जीतते जीतते। तो समझ ही सकते हो पाकिस्तान टीम में कैसे हालात चले, ठीक है, मतलब कमजोर से कमजोर टीम इनको हरा के जा रही है। इंडिया पाकिस्तान का मैच में देखा ही होगा जीता जीता मैच ये लोग हारे हैं, केवल मतलब 120 रन ये लोग चेस नहीं कर पाए। इसमें आप ये मान के चल सकते हो कनाडा की टीम की फर्स्ट बैटिंग आई, ठीक है, अगर फर्स्ट बैटिंग आएगा कनाडा की टीम ने गलती से भी यहाँ पे जो है 100 रन के ऊपर बना दिया, 130 के आसपास बना दिया, तो इस मैच को जीतना पाकिस्तान के लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा जितना यहाँ पे इंडिया के साथ हुआ था। देखो इस मैच में कनाडा की टीम को कम ताकना, ठीक है, पाकिस्तान की टीम पे आंख मुंह का भरोसा मत करना, ठीक है। इस मैच में आपको जो दोनों तरफ आपको रेट देखने को मिलेगा कि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, अच्छा खासा आपको मैच ये भी देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट बात करते हैं मेरे यहाँ पे पर्सनल मैच प्रेडिक्शन के बारे में। अगर बात करें पर्सनल मैच प्रेडिक्शन की तो आपको बता दूं दोनों टीमों का यहाँ पे टीम कंपैरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद जहां तक मुझे लगता है इसमें कौन आपको जो है पाकिस्तान की टीम आपको इस मैच को जीतती दिखाई दे सकती है, बट पाकिस्तान की टीम इतनी आसानी से इस मैच को नहीं जीतने वाली है, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे इस मैच में, आप इस बात का यहाँ पे ख्याल रखना। बाकी इस मैच के फाइनल प्रेडिक्शन फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम जोर से ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन टेलीग्राम पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलती है आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।